हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और अभी अभी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज़ की है। देखिए, आप 25 तारीख का डेट देख सकते हैं, मतलब बहुत ही रात को ये प्रेस रिलीज़ हुआ है। यहाँ पे बोला है सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ JEE मेन April/September 2020 एंड नीट 2020। ठीक है, तो उन लोगों ने डेट्स अनाउंस फिर से बोल दिया है कि नहीं, एग्ज़ाम होके रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब कुछ भी मत करो, अब एग्ज़ाम हो के ही रहना है। दिस इज़ द फाइनल। ये फिर से एक प्रूफ है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि HRD मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बोल रहा है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही है। ये गवर्नमेंट का ही आर्टिकल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का है। मैं अपना सिर्फ, मेरा काम है डिलीवर करना। क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो इंटर अलाई ऑर्डर दैट वी फाइंड that there is absolutely no justification in the prayer made for the postponement of the examination in NEET and JEE. NTA has since then released the admit card of JEE. The admit card of NEET will also be released shortly. NTA has ensured that more than 99% candidate get their first choice of center cities. वो लोग छाती ठोक के ऐसा बोल रहे हैं कि 99% candidates को अपना first choice ही मिला है। ठीक है, only 1% को अपना first choice नहीं मिला है। ठीक है, द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 570 टू 660 इन द केस ऑफ JEE मेन एंड 2546 टू 3843 इन नीट। CBT JEE मेन्स इज CBT एंड नीट इज पेन पेपर बेस्ड टेस्ट। एडिशनली इन केस ऑफ JEE मेन्स द नंबर ऑफ शिफ्ट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 8 टू 12 एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट पर शिफ्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.32 लाख टू 85000। मतलब कि उन लोगों ने जो नंबर ऑफ़ शिफ्ट थी वो 8 से 12 कर दी है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, बट ऑब्वियसली शिफ्ट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उस हिसाब से रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये उन लोगों का अनाउंसमेंट है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। वंस अगेन, दिस इज़ नॉट माय अनाउंसमेंट। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अब कुछ भी मत टाइम वेस्ट करो, अब ये एग्ज़ाम होके रहना है। ठीक है, वो लोगों ने, मैं आज भी मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ भी उन लोगों ने बोला है कि वो लोग अपने हिसाब से प्रिकॉशंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि 99%, मुझे पता नहीं है कि कितने सच है कितना झूठ है। उन लोगों ने लिखा है कि 99% कैंडिडेट को अपना फर्स्ट चॉइस मिला है। ठीक है, तो हमें समझने की ज़रूरत है ये कि दिस इज़ द फाइनल डेट। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, ओनली स्टडीज़ विल सेव यू। आज हमारा सॉल्यूशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्राइंगल्स का लेक्चर आएगा 6:30 बजे, वो ज़रूर से देखिएगा। चलिए मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।